हेलो दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। और आज की इस वीडियो में हम डावर की वीडियो को आगे बढ़ाएंगे और हम आज पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ डावर। पिछली वीडियो में मैंने आपको डावर के बारे में जनरल ओवरव्यू दिया था, इंट्रोडक्शन पढ़ी थी, मीनिंग, डेफिनेशन और डावर का जो ऑब्जेक्ट क्या होता है हमने वो पढ़ा था। अगर आपने वो वीडियो अब तक नहीं देखी है तो प्लीज़ इस वीडियो से पहले वो वीडियो ज़रूर देखें, आपको बहुत हेल्प होगी। तो आइए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो मेरे दोस्तों, अगर मैं डावर और मेहर के क्लासिफिकेशन की बात करूं तो बेसिकली डावर दो टाइप का होता है, एक होता है स्पेसिफाइड, एक होता है अनस्पेसिफाइड। मेरे दोस्तों, स्पेसिफाइड डावर को मेहर आई मुसम्मा बोला जाता है और अनस्पेसिफाइड डावर को मेहर आई मीज़ल बोला जाता है। आपको बताना चाहूँगा, अनस्पेसिफाइड डावर को कस्टमरी डावर भी बोला जाता है, प्रॉपर डावर भी बोला जाता है, मेहर आई मीज़ल भी बोला जाता है। जो स्पेसिफाइड डावर है उसको फर्दर दो भागों में बांटा गया है, एक प्रॉम्प्ट डावर, एक डेफर डावर। प्रॉम्प्ट डावर को मुआजल मेहर बोला जाता है और डेफर डावर को मुआजल मेहर बोला जाता है। तो अब एक एक करके सारे को पढ़ते हैं कि स्पेसिफाइड क्या होता है, प्रॉम्प्ट क्या होता है, डेफर क्या होता है और अनस्पेसिफाइड कस्टमरी या प्रॉपर डावर क्या होता है। तो मेरे दोस्तों, अगर मैं स्पेसिफाइड डावर की बात करूं तो जैसा कि नाम ही बता रहा है, स्पेसिफाई करना, स्पेसिफिक करना, प्रॉपर करना। तो स्पेसिफाइड डावर एक ऐसा डावर होता है जो मैरिज के जो सिविल कॉन्ट्रैक्ट होता है, हस्बैंड वाइफ के भी जो मैरिज का कॉन्ट्रैक्ट होता है उसमें इस डावर को स्पेसिफाई कर दिया जाता है, स्पेसिफिक कर दिया जाता है। अर्थात कितना डावर होगा, क्या डावर में दिया जाएगा, ये सारी चीज़ें उस मैरिज के कॉन्ट्रैक्ट में स्पेसिफिकली मैंशन कर दी जाती हैं, इसको स्पेसिफाइड डावर बोला जाता है। मेरे दोस्तों, अगर मान लो मैरिज माइनर की हो रही हो, क्योंकि हमें पता है मुस्लिम धर्म में एज ऑफ मेजोरिटी 18 साल और 21 साल नहीं है जैसा कि हिंदू धर्म में है, मुस्लिम धर्म में देखा जाता है एज ऑफ पुबर्टी। तो पुबर्टी की एज जो है वो 15 साल 16 साल पर मैरिज बच्चे की कर दी जाती है। तो अगर मान लो माइनर की मैरिज कर दी तो उसके बिहाफ में डावर कौन स्पेसिफाई करेगा, तो उसके गार्जियन। तो गार्जियन के पास पावर होगी कि वो डावर को स्पेसिफाई करेंगे और वो स्पेसिफिकेशन जो करी गई होगी वो माइनर के ऊपर बाइंडिंग होगी। आई होप आपको स्पेसिफाइड डावर का पता चल गया होगा। अब अगर मैं प्रॉम्प्ट डावर की बात करूँ तो प्रॉम्प्ट डावर, जैसे कि नाम बता रहा है, प्रॉम्प्ट एकदम से, इंस्टेंटली। तो ये एक ऐसा डावर होता है जो स्पेसिफाइड डावर का ही पार्ट है और स्पेसिफाइड डावर में कुछ डावर प्रॉम्प्ट होता है, कुछ डावर डेफर्ड होता है। प्रॉम्प्ट डावर वो डावर होता है जो एक वूमेन के पास राइट है कि वो अपनी मैरिज के बाद कभी भी डिमांड कर सकती है। एनी टाइम आफ्टर द मैरिज वूमेन कैन डिमांड द प्रॉम्प्ट डावर एंड ऑन डिमांड ऑफ वूमेन हस्बैंड इज बाउंड टू पे दैट डावर, to give that dower, husband cannot refuse. मैं आपको बताना चाहूँगा कि wife अगर proper dower को husband से मांगती है कि मुझे मेरा इतना proper dower दे दीजिए और husband मना कर देता है, तो wife husband के साथ consummation, cohabitation, sexual relation बनाने को भी मना कर सकती है, proper dower के केस में आपको बता रहा हूँ। और अगर वाइफ सेक्सुअल रिलेशन बनाने को मना कर देती है और हस्बैंड क्या करता है, रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स की एप्लीकेशन डाल देता है कि मेरी वाइफ को बोला जाए मेरे साथ रहे, मुझे अपने आप को समर्पित करे क्योंकि उसने मेरे साथ शादी करी है तो मेरे साथ संबंध भी बनाए, तो वाइफ ये बोल सकती है कि मेरा प्रॉपर डावर पे नहीं कर रहा हस्बैंड तो मैं अलग रह रही हूँ और ये रिजनेबल ग्राउंड माना जाएगा। आई होप आपको समझ आ रहा होगा कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ। तो प्रॉपर डावर जिसको कि मुआजल बोला जाता है, ये एक ऐसा डावर होता है जो शादी के तुरंत बाद जैसे ही जब भी वाइफ मांगेगी तब पे करना पड़ता है, और अगर हस्बैंड पे ना करे तो वाइफ हस्बैंड के साथ कंज्यूमेशन करने को मना कर सकती है। अगर वाइफ छोटी है, माइनर है और पेरेंट्स जो गार्जियन जिन्होंने स्पेसिफाई किया था वो डावर, अगर वाइफ मना कर डावर मांगती है, हस्बैंड मना करता है, तो पेरेंट्स भी हस्बैंड के पास वाइफ को भेजने को मना कर सकते हैं।
आई होप आपको समझ आ रहा होगा। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर कर दें, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। अब स्पेसिफाइड डावर का ही दूसरा पार्ट है डेफर्ड डावर। डेफर्ड मतलब डिले करना, पोस्टपोन करना। तो ये एक ऐसा डावर होता है जो शादी के तुरंत बाद ऑन द डिमांड ऑफ वाइफ नहीं पे किया जाता। ये डावर पे किया जाता है ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज, ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज। जब मैरिज डिसॉल्व होती है, अब मैरिज डिसॉल्व कैसे होती है आप सोचोगे, तो मैरिज डिसॉल्व कैसे होती है, मैरिज डिसॉल्व होती है या तो डिवोर्स हो जाए हस्बैंड वाइफ के बीच, या फिर हस्बैंड मर जाए तो वाइफ जीवित है, मैरिज खत्म होगी उनके बीच। तो या तो डेथ की वजह से मैरिज डिसॉल्व हो जाती है हस्बैंड की, या फिर डिवोर्स ले लेता है, जब हस्बैंड तलाक दे देता है, डिवोर्स ले लेता है, वाइफ डिवोर्स ले लेती है, तभी मैरिज डिसॉल्व हो जाती है। तो जब मैरिज डिसॉल्व हो गई हो हस्बैंड वाइफ के बीच, उस टाइम उसके बाद ये डेफर्ड डावर पे किया जाता है, उसके बाद ये डेफर्ड डावर पे किया जाता है। तो स्पेसिफाइड डावर स्पेसिफिक होता है, जिसमें कुछ पार्ट प्रॉम्प्ट डावर में आता है, कुछ डेफर्ड डावर में आता है। प्रॉम्प्ट डावर इमीडिएटली पे किया जाता है आफ्टर मैरिज, जब वाइफ डिमांड कर ले। हाँ, अगर वाइफ डिमांड ना करे तो ना करे, वो वाइफ की अपनी मर्जी है। लेकिन प्रॉम्प्ट डावर डेफर्ड डावर नहीं बन जाता। अगर वाइफ डिमांड नहीं कर रही है 2 साल 3 साल 5 साल 10 साल, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो डेफर्ड में कन्वर्ट हो गया। नो, वो प्रॉम्प्ट ही रहेगा। 20 साल के बाद वाइफ डिमांड करे, 20 साल के बाद उसको डावर मिलेगा इमीडिएटली। प्रॉम्प्ट डावर जब डिमांड की तभी मिलेगा। और डेफर्ड डावर जब मैरिज खत्म हो गई, मैरिज डिसॉल्व हो गई, उसके बाद मिलता है डेफर्ड डावर। आई होप आपको प्रॉम्प्ट डावर, डेफर्ड डावर, स्पेसिफिक डावर, ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। अब मैं आता हूँ दूसरे टाइप पर, जो कि है अनस्पेसिफाइड, जिसको कस्टमरी भी बोलते हैं, प्रॉपर भी बोलते हैं, मेहर आई मीज़ल भी बोलते हैं इस डावर पर। मीज़ल MISEL होता है ना। तो स्टूडेंट्स, अगर मैं अनस्पेसिफाइड डावर की बात करूँ, तो ये एक ऐसा डावर होता है जो मैरिज के कॉन्ट्रैक्ट में स्पेसिफाई नहीं किया होता। ये एक ऐसा डावर होता है जो वूमेन को मिलता ही मिलता है, चाहे वूमेन बोले कि मुझे डावर नहीं चाहिए। अगर यहाँ पर वूमेन बोले कि मुझे डावर नहीं चाहिए, तो नहीं मिलेगा। वूमेन रेलिंक्विश कर सकती है, अपने डावर को मना कर सकती है लेने से। पर अगर बात की जाती है यहाँ पे, और वूमेन बोले मुझे डावर नहीं चाहिए, फिर भी उसको डावर दिया जाता है, ये डावर कस्टमरी डावर है, कस्टम चला आ रहा है, कस्टमरी या प्रॉपर है, अनस्पेसिफाइड है, पर वूमेन को ये डावर मिलता ही मिलता है। अब ये क्वेश्चन ये राइज होता है कि ये जो डावर है, ये वाला डावर जो मैं बता रहा हूँ आपको अनस्पेसिफाइड, ये डावर डिसाइड कैसे होता है, इस डावर में हम कैसे इसको डिसाइड करते हैं, कितना डावर होगा, क्या डावर होगा, क्या अमाउंट होगा डावर का, कैसे डिसाइड करते हैं। तो ये डावर डिसाइड किया जाता है वूमेन के क्वालिफिकेशन के बेस पर, वूमेन की एज के बेस पर, वूमेन की पर्सनल ब्यूटी के बेस पर, वूमेन की पर्सनल करेक्टरिस्टिक्स के बेस पर ये डावर डिसाइड किया जाता है। ये डावर डिसाइड किया जाता है इस बेस पर कि जो वूमेन के फादर हैं उनकी सोसाइटी में क्या रेपुटेशन है, जो वूमेन का हस्बैंड होने वाला है उसकी क्या इनकम है, जो वूमेन है उसके पापा की जो बहनें थी उनको कितना डावर दिया गया था, ये वाला अनस्पेसिफाइड, जब पापा की बहनों की शादी हुई बुआ की उस वूमेन के, तो उनको कितना डावर मिला था अनस्पेसिफाइड। इन्हीं सभी पॉइंट्स के ऊपर यह अनस्पेसिफाइड डावर को डिसाइड किया जाता है। तो मेरे दोस्तों, आई होप आपको आज का वीडियो लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा। आज के लेक्चर में बेसिकली हमने क्लासिफिकेशन ऑफ डावर पढ़ा। अगले लेक्चर में हम रेमेडीज पढ़ेंगे, अगर वूमेन को डावर नहीं मिलता है तो वो क्या कर सकती है। तो हमारे साथ बने रहें, वीडियो को देखें, सपोर्ट करें, लाइक करें, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू वेरी मच।